देखते हैं वर्ब से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला हुआ है, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 14 एक्टिविटीज ए टू एन, द ड्यूरेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज इन डेज आर शोन इन ब्रैकेट्स ऑन द नेटवर्क डायग्राम, द लेटेस्ट फिनिश टाइम इन डेज फॉर नोड 10। देखिए ये इस टाइप से बना हुआ है, आप देख सकते हैं नेटवर्क ऐसा बना हुआ है, काफ़ी लेंदी नेटवर्क है, ए से लेकर एन तक आपको दिया है राइट। बहुत सारे आपको एक्टिविटीज़ दिए हैं, 14 एक्टिविटीज़ आपको दिया हुआ है, सभी की बाजू में ड्यूरेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज आपको लिखा हुआ है, नेटवर्क को बना के दिया हुआ है, और नोड नंबर 10 पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम। आप देखेंगे कि मैं लेटेस्ट फिनिश टाइम को ना एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल ऑन दिस नोड, यानी इस वाले नोड पे एल का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल ऑन दिस नोड, नोड नंबर 10 पे एल का वैल्यू क्या है। क्योंकि अब देखिए मैंने आपको ऐसे पढ़ाया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को मैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करता हूँ और लेटेस्ट फिनिश टाइम को मैं कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉरी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आपको निकालना व्हाट इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना होगा। ठीक है, एक काम करते हैं सभी नोड में सबसे पहले ना ई का वैल्यू, क्योंकि देखिए अब आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम अगर बोल दिया तो सबसे पहले आपको ई फाइंड आउट करना पड़ेगा सभी नोड पर, उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन पहले, तो पहले ई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करूंगा फर्स्ट वाले नोड से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, उसके बाद फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा तब एल के वैल्यू डिसाइड करूंगा। तो देखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखते हैं पहले ई वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा ई के वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ई के वैल्यू कितना हो जाएगा 0 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। इस वाले नोड पर देखते हैं ई के वैल्यू कितना होगा, तो ई के वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 3 जो हो जाएगा ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस वाले नोड पर ई के वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस वाले पे ई का वैल्यू अगर देखना चाहोगे तो ये 2 प्लस 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। इस वाले पे ई का वैल्यू अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 ये आ जाएगा आपके पास 10। इस वाले पे अगर ई का वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस वाले पे अगर ई का वैल्यू अगर देखना चाहें इस वाले नोड पे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 9 हो जा रहा है, और यहाँ पर अगर देखते हैं ई का वैल्यू इस वाले नोड पे अगर ई का वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 या आ जा रहा है 10 आ जा रहा है, और इस वाले नोड पे नाइन्थ वाले नोड पे अगर मान लीजिए अगर मैं ई का वैल्यू अगर देखूंगा नाइन्थ वाले नोड पे ई का वैल्यू, तो तीन एरो वहाँ जाके मर्ज हो रहे हैं, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 5 15, और 4 प्लस 4 8 आएगा, तो लार्जेस्ट हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। और उसके बाद इस वाले नोड पर देखेंगे 15 प्लस 2 17, और 9 प्लस 3 12, तो यहाँ पर ई का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 17, और फाइनली यहाँ पे ई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 17 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 19। ये 19 आ गया, ई का वैल्यू आ गया, रिटर्न चलते हैं एल स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको समझाया भी हूँ दैट ऑन द लास्ट नोड वैल्यू ऑफ ई एंड एल शुड रिमेन सेम, तो यहाँ पे आपके पास एल का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 19 हो जाएगा, एल का वैल्यू 19। वापस जाएंगे तो 19 माइनस 2 तो ये आ जाएगा एल का वैल्यू आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। उसके बाद आपको वापस कहाँ जाना है, इस वाले नोड पे आना नहीं है, आपको सीधा इस वाले नोड से मतलब तो सिर्फ इसी नोड तक वापस आना है, सभी का कैलकुलेट करने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे अगर आप वापस जाएंगे तो 17 एल इक्वल टू 17, 17 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे एल का वैल्यू जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 14 मिल जाएगा। ऑन दिस नोट द वैल्यू ऑफ एल एल विल बी 14, तो एल आ गया आपका 14 आ गया, सो दिस इज द राइट आंसर, ये आ गया आपके पास राइट आंसर। तो आप देखिए आपके पास राइट आंसर जो है, सो हियर वी हैव राइट आंसर, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका हो गया 14 हो गया। पूछा हुआ था द लेटेस्ट फिनिश टाइम इन डेज फॉर नोड 10, तो नोड 10 के लिए जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है दैट इज जिसको मैं एल से शो करता हूँ कैपिटल, वो आंसर आ गया आपका 14, सो 14 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा था, क्वेश्चन का नेटवर्क काफ़ी बड़ा बनाया हुआ था गेट एग्जामिनेशन में, बट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। आप देखिए कि मेरे को ना एल का वैल्यू सभी नोड पे नहीं लिखना था, मुझे एल का वैल्यू सिर्फ एक नोड पे लिखा, क्योंकि एल जो होता है वो बैकवर्ड मेथड होता है, बैकवर्ड पास मेथड होता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, सबसे लास्ट से सबसे फर्स्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर एल डिसाइड किया, उसके यहाँ से माइनस यहाँ, फिर यहाँ से माइनस सीधा यहाँ आया, एल का वैल्यू सीधा 14 आ गया। हाँ हो सकता है मे बी अगर वो यहाँ पे अगर एल का वैल्यू पूछता, इस वाले नोड पे एल का वैल्यू पूछता कि बताइए एल का वैल्यू यहाँ का यहाँ पे कितना आएगा करके, हाँ वैसे कंडीशन में हो सकता था कि मेरे को फिर से वापस आना पड़ता, फिर मेरे को ना इस वाले नोड से इस वाले नोड पे आना पड़ता, फिर इस वाले नोड से इस वाले नोड पे आना सॉरी इस पे नहीं आना पड़ता, इस वाले से इस पे आना पड़ता, इस पे आना पड़ता, इस वाले से इधर आना पड़ता, ये तो मेरे को ना पूरा ना ट्रैक करके, यानी यहाँ नहीं जाना पड़ता, यहाँ नहीं जाना पड़ता, इसके बाद सीधा ये, उसके बाद ये तीनों ऐसे होते हुए इसमें होते हुए यहाँ तक मुझे ऐसे आके डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ एल ऑन नोड नंबर 4। तो क्वेश्चन में भी थोड़ा सकता थोड़ा सा और 10-20 सेकंड 30 सेकंड आपको और ज़्यादा लग जाता हो मे भी हो सकता है, बट 10th वाले नोड पे आपको पूछा तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से बता देंगे द वैल्यू ऑफ एल
विल बी इक्वल टू 14। एल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। आप आराम से डिसाइड करें। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दिया था, बड़ा दिया हुआ था, बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप देखेंगे तो एकदम आराम से बनाया जा सकता था ग्रेड एग्जामिनेशन में विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्कबुक से क्वेश्चन 4 में ऐसा टेबल बना के दिया, पहले इसमें बना लिया। क्वेश्चन 4 को पढ़ता हूँ मैं, क्या बोल रहा है। अ प्रोजेक्ट स्टार्ट विद एक्टिविटी एफ एंड एंड्स विद एक्टिविटी स्टार्ट विद एक्टिविटी ए एंड एंड्स विद एक्टिविटी एफ। तो ए से लेके एफ तक पूरी एक्टिविटी है, ए बी सी डी ई एफ। आगे बोल रहा क्वेश्चन में, द प्रेडिसेंस रिलेशनशिप एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज एस राइट आर गिवन द फॉलोइंग टेबल। द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इन डेज। तो आपसे पूछा हुआ है मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। देखिए, जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था राइट वीडियो लेक्चर में, तभी मैं आपसे बात किया था लेक्चर्स के टाइम पे, जब मैं थ्योरी बात पार्ट कवर कर रहा था, तो व्हाट इज द मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, उसी को बोला जाता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या उसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर उसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आपको ना ऑप्शंस नहीं दिया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, तो आप ऑप्शन से चेक ही नहीं कर पाएंगे विच वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो यहाँ पे एक ही तरीका आपके पास बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क को बनाइए, उसके बाद डिसाइड करिए विच वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो सबसे पहले नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया, आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना नेटवर्क बनाए काम चलेगा नहीं अभी यहाँ पे आपका। तो देखिए, एक्टिविटी ए जो है वो किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। तो एक्टिविटी ए को आपने फर्स्ट वाले नोट से आपने स्टार्ट कर दिया, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए आ गया। उसके बाद बी और सी दोनों डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, जहाँ ए कंप्लीट होगा वहीं वहाँ से बी वाला भी स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से सी वाला भी स्टार्ट हो जाएगा, दोनों को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डी वाला जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देखेंगे डी वाला जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है और ई जो है वो सी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखेंगे ई जो है सी पे डिपेंड करेगा, तो कुछ स्टेप्स आ जाएगा, ये यहाँ पे डी और यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास डी और ये आ गया ई, और डी और ई जहाँ पे एंड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डी और ई जहाँ पे एंड हो रहा है उस पर एफ डिपेंड कर रहा है, तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास एफ। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, लास्ट में आ गया आपके पास एफ आ गया। इस तरीके से नोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और नोड नंबर 6। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप नोड का नंबरिंग करें गेट एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, नीड ही नहीं पड़ेगा। कहीं एकदम बहुत ज़्यादा जरूरत है तभी करिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट भी मत करिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। आपको बता रहा है मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, उसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड। ई का वैल्यू लिखेंगे तो ए का ड्यूरेशन लिख लेते, ए जो है वो 4 डेज का है और बी और सी 3 और 7, ये 3 और ये आपके पास 7 है राइट। बी सी डी जो दिया हुआ है 14 और 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 14 और 4 हो जाएगा। साथ ही साथ एफ जो दिया है वो दिया 9 डेज का दिया हुआ है, एफ दिया 9 डेज में, ठीक है। लिखते हैं वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोट निकालना है आपको, ई इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा ई इक्वल टू 4। इस वाले नोट पे देखिए ई इक्वल टू कितना आएगा, तो ये 4 प्लस 3, यहाँ पे 7। यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, यहाँ पे ई का वैल्यू आ जाएगा, तो 4 प्लस 7 11 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास राइट। यहाँ पे देखते हैं ई का वैल्यू, फिफ्थ वाले नोट पे ई का वैल्यू देखेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस 4 21 आ जाएगा, बिकॉज ये 11 प्लस 4 15 छोटा आ रहा था, और 21 प्लस 9 यहाँ पे जो ई का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 30। और लास्ट नोट पे जो ई का वैल्यू होता है इसी को बोला जाता है मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, इसी को मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या फिर इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट राइट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, या फिर इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ बोला जाए, चारों नाम एक ही है राइट। तो इस कंडीशन में आपका आंसर जो आ जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का, या फिर जो आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम का, वो आ जाएगा आपके पास 30 डेज आ जाएगा। सो 30 डेज इज द राइट आंसर, तो 30 डेज जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो अब देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था आपको, जो नेटवर्क जो आपको जो चार्ट दिया था पहले उसके थ्रू आपको नेटवर्क बनाना पड़ता, नेटवर्क बनाने के बाद सिर्फ आपको ई का वैल्यू देखना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड। मान लीजिए अगर वैसा नहीं करना चाहते तो कैसे करते, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ता आपको कहीं ना कहीं, उसके बाद क्या कर सकते थे आप, ई का वैल्यू डिसाइड नहीं करते सभी नोड पे, आप क्या करते रैंडमली चेक करते विच वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ, कौन सा सबसे लंबा वाला पाथ है वो चेक करते, उसके बाद उसी को ऐड कर देते तो वो तो भी आंसर आ जाता राइट। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा आएगा, देखिए तो ये आ जाएगा, ये लॉन्गेस्ट पाथ आपको दिखता, ये लॉन्गेस्ट पाथ या फिर क्रिटिकल पाथ आपको दिखता राइट। सॉरी सॉरी, ये इस तरफ नहीं आता, सॉरी ये इधर जाता, ये लॉन्गेस्ट पाथ आता, फिर ऐड करते 4 प्लस 3 7 7 प्लस 7 4 राइट, ये हो जाता आपके पास 4 प्लस 3 7
और 7 प्लस 14 21, 21 प्लस 9 कितना था, 30 आता, तो या फिर ऐड कर देते तो ये आता 4 प्लस 3 7 प्लस 14 प्लस 9 डायरेक्टली कितना था, 30 आता। तो इस तरीके से आप क्रिटिकल पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ भी निकाल सकते हैं, तो उसको ऐड कर सकते हैं, तो भी आंसर आपका उतना ही आता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे वर्कबुक से। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, द लेंथ राइट द आर्क लेंथ ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए प्रोजेक्ट आर एस सोन इन फिगर द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम नोड 1 टू नोड 6। अब देखेंगे नोड नंबर 1 से नोड नंबर 6 तक आपको राइट बना के दिया हुआ, प्रोजेक्ट नेटवर्क आपको बना के दिया हुआ है, और सारे एरो जो है ना वो एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग में आपको टाइम भी आपको दिया हुआ है, पूरा शॉर्टेस्ट लेंथ आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो आप देखेंगे नोटिस करेंगे, जैसे जनरली अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया गेट एग्जाम में उसमें शॉर्टेस्ट नहीं आता, उसमें लॉन्गेस्ट लेंथ आपको निकालना पड़ता है। क्यों? बिकॉज जनरली आपसे क्वेश्चन जो पूछता है व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ कौन सा पूछता है, तो क्रिटिकल पाथ का मतलब ही होता है द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। तो अपना रैंडमली चेक करते हैं टोटल कितने पाथ हैं, सभी का लेंथ कितना है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। यहाँ पे ना उल्टा पूछा हुआ है, शॉर्टेस्ट पूछा हुआ है, तो शॉर्टेस्ट पूछा हुआ है तो आपको वैसे ही चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे नोड नंबर 1 से नोड नंबर 3, नोड नंबर 3 से 5, नोड नंबर 5 से 6, आपका एक आप एक पाथ बन गया है, नोड नंबर 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 6 एक पाथ बन गया। उसका अगर आप लेंथ अगर चेक करेंगे तो लेंथ कितना होगा, देखिए 1 से 3 जो है वो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, प्लस 3 से 5 दिया हुआ है आपके पास 3 दिया हुआ है, फिर अगेन 4 दिया हुआ है। दैट मीन्स अब देखिए ये जो 1 से 3 है, नोड नंबर 1 से 3 पे आपको 4 दिया है, फिर 3 से 5 पे आपको 3 डेज दिया है, फिर 5 से 6 पे आपको 4 डेज दिया है, तो कुल मिला के ये 4 प्लस 3 प्लस 4 ये पाथ लेंथ आ गया, एक सिंगल पाथ आ गया। सिंगल पाथ का लेंथ हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4 प्लस 4 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 11 डेज, वगैरह आपके पास कुछ आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल दिया। वैसे ही आपके पास इस नेटवर्क में बहुत सारे लेंथ हो सकते हैं, फॉर बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से आप 2 पे जाइए, फिर 2 से आप 3 पे आइए, फिर 3 से 5 पे, फिर 5 से 4 पे, फिर 4 से 6 पे, या फिर आप 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, फिर 2 से सीधा आ सकते हैं आप 5 पे, 5 से 4, उसके बाद सीधा 6, या सीधा आप 1 से 2 जा सकते हैं, सीधा 2 से 4 जा सकते हैं, 4 से 6 आ सकते हैं। सो वेरियस पाथ्स आर अवेलेबल, बहुत सारे ऐसे पाथ हैं, सभी पाथ को लिख लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए कितना ड्यूरेशन है उसका, उसके बाद निकालिए। तो आपको वैसा करेंगे तो अलग अलग पाथ फर्स्ट वाला लिख दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पाथ को लिख लीजिए, सभी को ऐड करिए, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट जो मिलेगा वो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 4 और 4 से 6 वाले मिलेगा। अगर आप ऐड करेंगे 1 से 2 तो आपका जो 1 से 2 है वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 5, तो अब देखेंगे 2 से 5 पे भी 2 आ जाएगा आपका, प्लस 5 से 4 पे आ जाएगा 1, और प्लस 4 से 6 पे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 डेज आ जाएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सो 7 इज़ द राइट आंसर, सो 7 इज़ द राइट आंसर, बिकॉज जो स्मॉलेस्ट आएगा ना, 7 जो है सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ है, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ लेंथ जो आएगा वो 7 आएगा, सो 7 इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे रेंडमली चेक करना था, सिर्फ ग्राफ को नेटवर्क को देखना था, और नेटवर्क को देखने के बाद जितना भी पॉसिबल पाथ था सारे पॉसिबल पाथ को लिखना है, और सभी को ऐड कर देखना था कौन सा स्मॉलेस्ट है, क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता था। देखते हैं वर्कबुक से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आफ्टरनून सेशन में गेट 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस गए थे, अटक गए थे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे थे, नेटवर्क नहीं बना पा रहे थे, हाउ टू ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो आज क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, नेटवर्क किस तरीके से इसका बनना चाहिए और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देखते हैं। प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ था, द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड देयर ड्यूरेशन एंड प्रेडिसेंस रिलेशनशिप आर गिवन इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एक्स लेस देन वाई एंड जेड रिटन हियर वाई एंड जेड यहाँ पे लिखा होता, मीन्स दैट एक्स इज ए प्रेडिसेसर ऑफ एक्टिविटी वाई एंड जेड। इसका क्या मतलब बोल रहा है, ये जो रिलेशन दिया हुआ इसका सीधा सा मतलब ऐसा बोल रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा नेटवर्क बनाने के लिए। बहुत सारे लोग इसी को नहीं समझ पा रहे थे, एक्स लेस देन वाई एंड जेड का मतलब है कि एक्स इज अ प्रेडिसेसर ऑफ वाई एंड जेड। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जाके एक्स कंप्लीट होगा राइट, किसी भी नोड पे जहाँ पे जाके एक्स वाला कंप्लीट होगा वहाँ से आपका वाई वाला स्टार्ट हो सकता है और वहाँ से आपका जेड वाला स्टार्ट हो सकता है। इसका ये मतलब है दैट इज एक्स इज लेस देन वाई एंड जेड, यानी एक्स जो होगा आपका वाई और जेड दोनों का प्रेडिसेसर होगा। दैट मीन जब तक एक्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक वाई और जेड वहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इसको अगर मैं उल्टा पढ़ूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि वाई का प्रेडिसेसर भी एक्स है और जेड का प्रेडिसेसर भी एक्स है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो इसको बोलने का ऐसा तरीका हो सकता है कि आप ऐसा बोल लो कि वाई का प्रेडिसेसर कौन है, तो वाई का प्रेडिसेसर कौन है बताना, वाई का प्रेडिसेसर भी एक्स है
और जेडी का प्रेडिसेसर भी एक्स है, तो इस टाइप से आप बना सकते थे, टेबल बना सकते थे, नया टेबल। वैसे मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे बोला हुआ है कि सभी का प्रेडिसेंस रिलेशनशिप दिया है, प्रेडिसेसर का रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा जैसे हमें जनरली पढ़ के जाते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द कोचिंग स्टूडेंट में या मोस्ट ऑफ द बुक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिस टाइप से पढ़ के जाते हैं उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन इन वीक्स जो है, ये ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, मैं प्रेडिसेसर बना रहा हूँ, इमीडिएट प्रेडिसेसर बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, तो ये आपको जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, ड्यूरेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्यूरेशन इन वीक्स, राइट, ड्यूरेशन इन वीक्स, वीक्स में ड्यूरेशन दिया हुआ है। एक और कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये इमीडिएट प्रेडिसेसर, तो अगर मैं इमीडिएट प्रेडिसेसर की अगर बात करूँ, इमीडिएट प्रेडिसेसर की बात करूँ, तो जस्ट प्रेडिसेसर कौन है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़िए, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी का प्रेडिसेसर ए है, सी का भी प्रेडिसेसर ए है और डी का भी प्रेडिसेसर ए है, तो मैं क्या बोलूंगा बताना, यानी ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बी वाले का भी ए है, सी वाले का भी ए है और डी वाले का भी, राइट, डी वाले का भी ए है, यानी बी सी डी तीनों का प्रेडिसेसर ए है। उसके बाद ई वाले का प्रेडिसेसर बी है, एफ वाले का प्रेडिसेसर भी बी है और जी वाले का प्रेडिसेसर बी है, तो आप लगा लो ई एफ जी पे बी लगा लो, इन तीनों का प्रेडिसेसर बी बी और यहाँ पे आप लगा लिए बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताना, सी का आई का प्रेडिसेसर जो है वो आपका आई का प्रेडिसेसर सी है, तो आप लगा लेते हो कि आई का प्रेडिसेसर यहाँ पे लगा लिए सी। फिर क्या बोल रहा है बताना, जी का प्रेडिसेसर डी है, तो जी का प्रेडिसेसर जो है वो बी के साथ साथ डी भी यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में बोल रहा है आपका एच का प्रेडिसेसर ई है, तो आप यहाँ लिख लोगे कि एच का जो प्रेडिसेसर है वो यहाँ पे लिखने आपने ई लिख लिया है यहाँ पे, और साथ से लिखना एफ का प्रेडिसेसर आई, राइट, तो आप देख सकते हो आई का प्रेडिसेसर जो है वो एफ है, तो आप यहाँ लिखोगे कि आई का प्रेडिसेसर जो है ये एफ हो जाएगा आपके पास, और आई का प्रेडिसेसर जी भी है, तो आई का प्रेडिसेसर में आप यहाँ पे जी भी लिख लोगे, और आई का प्रेडिसेसर एच भी है, तो यहाँ पे आई का प्रेडिसेसर आप यहाँ पे एच भी लिख लोगे, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो आई के ना टोटल चार प्रेडिसेसर है। देखिए यहाँ पे एक आई का प्रेडिसेसर दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ना यही था, आई वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आई में ही आके अटक रहे थे, देखिए ये आई का प्रेडिसेसर, यहाँ पे भी आई का प्रेडिसेसर, आई का प्रेडिसेसर, आई का प्रेडिसेसर, आप देखेंगे आई का प्रेडिसेसर सी है, आई का प्रेडिसेसर एफ जी और एच है, यानी आई के टोटल चार प्रेडिसेसर थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई जो है उसके टोटल चार प्रेडिसेसर है, तो ये हो गया आपका सी एफ जी एच, चारों प्रोडिसेसर को यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा ना, ये वाला डेटा अब मेरे किसी काम का नहीं, नो नीड ऑफ दिस डेटा, इस डेटा को मैं क्या करूंगा अब नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बना लिया है प्रोडिसेसर, अपने बना लिया है जैसे जनरली हम लोग पढ़ के जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। अब मैं इसको देखते हुए, एक्टिविटी और उसका प्रोडिसेसर देखते हुए क्या करूंगा, प्रोजेक्ट का नेटवर्क बनाऊंगा, देखते हैं कैसे नेटवर्क को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, ए का कोई भी प्रोडिसेसर नहीं है तो ए स्टार्ट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, ए को स्टार्ट कर लोगे, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हो, फर्स्ट वाले नोड से आपने स्टार्ट कर दिया, सपोज करो आपने स्टार्ट कर दिया है, ए को आपने स्टार्ट कर दिया है, जहां पे ए कंप्लीट हो जाएगा वहां पे बी सी और डी, तो यहां से बी देख सकते हैं, यहां पे मान लो बी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपके पास सपोज करो सी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे सपोज करो आपके पास यहाँ पे डी स्टार्ट हो रहा है, यानी आप सीधी सी बात देख सकते हो, यानी ए जो है तीनों का प्रेडिसेसर है, बी सी डी, यानी जहाँ पे ए कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे ए कंप्लीट हुआ वहाँ पे बी सी डी तीनों स्टार्ट हो सकता है। मैंने जहाँ पे ए कंप्लीट हुआ था जिस नोड पे, सेकेंड वाले नोड पे, उसमें मैंने बी सी डी तीनों को मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आगे क्या बोला हुआ है ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आगे बोल रहा है बी जो है, राइट, बी किसका प्रेडिसेसर बताना, ई का, यानी जहां पे बी कंप्लीट हुआ वहां से आपका ई स्टार्ट हो सकता है, और वहां से आपका एफ भी स्टार्ट हो सकता है, तो वहां से आप ई और वहां से आप एफ को स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप ऐसा देखोगे, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया ऐसे, ई को आपने स्टार्ट कर दिया जहाँ पे बी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे आपने एफ को भी स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आपने सपोज करो, आपने यहाँ पे सपोज करो एफ को भी स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका आ गया एफ आ गया, इस टाइप से आपने ई और साथ में आपने एफ को यहाँ पे बना लिया है। आगे क्या बोल रहा है ध्यान देंगे, आगे क्या बोल रहा है, आप ई और एफ दोनों को ड्रॉ कर दिए, बी पे डिपेंड कर रहा था। आगे बोलता है जी जो है वो बी और डी दोनों पे डिपेंड करेगा, यानी जहाँ बी वाला और डी वाला दोनों आके कंप्लीट होगा वहां से जी वाला स्टार्ट होगा, तो आप देख सकते हो जहाँ पे बी और डी दोनों स्टार्ट होगा वहां से दोनों आगे कंप्लीट होगा, तो देखिए डी वाला आपका इस तरीके से था, यहाँ पे आपका डी वाला था और यहाँ से बी, तो इसको आप इस लाइन से डॉटेड लाइन से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो इस वाले पे आप देख सकते हो कि बी और डी, ये डी वाला था, बी बी वाला यहाँ के कंप्लीट हुआ, डी वाला यहाँ कंप्लीट हुआ, इस वाले से आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपका जो है वो जी वाला स्टार्ट हो चुका है, जी वाला यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एच जो है वो ई पे डिपेंड करेगा, एच वाला ई पे डिपेंड करेगा, तो आप ले सकते हो एच वाला जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ कहीं से आप ले सकते हो एच होगा, तो आप ले लोगे एच वाला जो है ई पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे ले लीजिए कि यहाँ से ले लेते हैं एच ले लेते हैं, तो ये एच वाला जो है वो ई पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, आई वाला जो है ना चारों पे डिपेंड कर रहा है, सी एफ जी एच, सी एफ जी एच, देखिए सी यहाँ पे, सी ये वाला एफ,
जी और एच चारों पर डिपेंड करेगा, तो इस वाले जी वाले को मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा, तो जी वाले को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये मेरा आ गया जी आ गया यहाँ पे, और सी वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, सी वाले को मुझे इस टाइप से लेना पड़ेगा और ला के उसको यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा, सो दिस वन इज द सी। तो ये वाला आपका क्या हो गया, सी वाला हो गया है। देखिए बहुत ही सिंपल हो गया, नोड नंबर डाल सकते हैं, नोड नंबर ये हो गया आपके पास 3, नोड नंबर हो गया आपके पास सपोज 4, नोड नंबर हो गया 5, और ये आपके पास हो गया नोड नंबर 6, नोड नंबर 6 हो गया। सभी का ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं, कितना ड्यूरेशन है, देखिए ए वाले का 5 डेज है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वाले का 5 डेज है, बी वाले का 7 डेज है तो मैं लिख देता हूँ बी वाले का 7 डेज है, सी वाले का 10 डेज है यहाँ पे आपके पास, तो सी वाले का लिख दिया यहाँ पे 10 डेज, डी वाले का 6 डेज है, डी ई वाले का आप देखेंगे 3 डेज है, ई वाले का आप देख सकते हो 3 डेज है, एफ वाले का आप देखोगे 9 डेज है, एफ वाले का 9 डेज है आपके पास, और जी वाले का 7 डेज है, जी वाले का 7 डेज है, और एच वाले का 4 डेज है, एच वाले का 4 डेज है, और आई वाले का 2 डेज है। इन जहाँ पे इतना होगा यहाँ से आई आपका स्टार्ट होगा, आई वाले का 2 डेज है यहाँ पे, फाइनली आपका नोड नंबर 7 प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया। सो दिस इज द फुल प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये प्रोजेक्ट नेटवर्क बन गया है यहाँ पे। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है नेटवर्क बनाने के बाद, क्या फाइंड आउट करना है, द टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी, राइट, क्या बोल रहा है, द टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटीज अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग कंप्लीट करने का कितना टाइम होगा, दैट इज द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपसे पूछा हुआ, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन आपसे पूछा हुआ। देखते हैं क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने का तरीका है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पे पहले वाले नोड पे अगर आपने लिखा है ई का वैल्यू, तो यहाँ पे ई का वैल्यू सपोज करो 0 हो गया है, सेकंड वाले नोड पे ई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0+5 दैट इज 5 आ जाएगा, इस वाले पे अगर आप ई का लिखेंगे तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा इस वाले नोड पे 5+7 यहाँ पे आ गया 12 आपके पास, और डमी जो है डॉटेड लाइन जो है डमी एक्टिविटी है उसका 0 ड्यूरेशन होता है, तो यहाँ पे आपके पास ई का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12+0=12 हो जाएगा, और 5+6=11, तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास 12 हो गया है। अब इस वाले पे अगर आप ई के वैल्यू लिखेंगे तो इस वाले पे ई का वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12+3 यहाँ पे हो गया 15 हो गया आपके पास। देखते हैं इस वाले पे नोड नंबर 6 पे ई का वैल्यू क्या आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ से 12+7 जो है यहाँ से 19 आ सकता है आपका, यहाँ से आ सकता है आपका 12+9 जो है वो 21 आ सकता है आपके पास, राइट। इस वाले से आप देखेंगे तो 15+4 ये भी 19 आ सकता है, राइट। और इस वाले से अगर आप तो 21, देखिए इस वाले से आपका 19 आया, छोटा सा लिख रहा हूँ, इस वाले से 21 आया, इस वाले से भी आपका 19 आया है, और इस वाले रूट से चारों रूट, बिकॉज चारों नोड जो है ना वो कहाँ पे सी पे जाके, चारों एरोज हैं नोड नंबर 6 पे जाके क्या कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, चारों का जो हाईएस्ट होगा ना उसको मुझे ई कंसिडर करना पड़ेगा। तो सी वाले को देखेंगे तो इस वाले पे 5+10 यहाँ से 15 आ रहा है, तो 15, 19, 21 और 19 में हाईएस्ट आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 21+2 जो आ जाएगा वो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये E का वैल्यू जो है, ये E का वैल्यू आ जाएगा 21+2 दैट इज इक्वल टू 23 वीक्स, एंड दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसी को बोला जाता है आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोला जाता है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या फिर इसी को बोला जाता है व्हाट इज नोन एज लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ, इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो ये होता है क्रिटिकल पाथ का लेंथ इन टर्म्स ऑफ वीक्स, 23 वीक्स यहाँ पे आ गया है। तो आपको यही बताना था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ, तो लास्ट वाले नोड के ऊपर, किसी भी प्रोजेक्ट के लास्ट वाले नोड के ऊपर जो ई का वैल्यू आता है ना वही होता है लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ होता है, क्रिटिकल पाथ का लेंथ का सम होता है 23 वीक्स आ गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 23 वीक्स आना चाहिए, 23 वीक्स इज द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ का जो लेंथ होगा, जो लॉन्गेस्ट पाथ का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 23 वीक्स, दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बस करना आपको सिर्फ यही था, ये जो प्रेडिसेसर का रिलेशनशिप जिस हिसाब से दिया था उस हिसाब से हमने प्रॉब्लम को नहीं बना पा रहे थे, पहले मैंने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंगली, जैसे हम लोग जनरली पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए वैसे मैंने पहले यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया है, और बनाने के बाद एज इट इज मैंने नेटवर्क बनाया है प्रोजेक्ट नेटवर्क, और उसके बाद लास्ट वाले नोड के ऊपर ई का वैल्यू मैंने क्या कर लिया, इसे फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीका था, बहुत ही आसान तरीका था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कि ऐसे कोई कन्वर्जन नहीं किए, वो लोग सिर्फ यहीं से बनाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार फंस जा रहे थे, क्योंकि आपको ना आई जो यहाँ पे 4 बार दिख जा रहा था, तो वहाँ पे जाके कई बार स्टूडेंट क्या हो जा रहा था वहाँ पे, मतलब सोच नहीं पा रहे स्टूडेंट लोग कि बेसिकली वहाँ पे आई 4 बार दिया, करना क्या है वाकई, वहाँ पे तो सिंपल सा कन्वर्जन किया इस टाइप से, और प्रॉब्लम इजी वे में बना लिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। तो राइट आंसर 23 वीक्स।